नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई के बोरीवली इलाके का एक रियल एस्टेट डेवलपर राजेश गनात्रा गायब हो गया था। पेश है उस केस का दूसरा और आखिरी भाग। सर, इस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों के पिटारे इस फाइल में हैं। सारे पिटारे खोलो और सभी की एक एक डिटेल माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दो। फर्स्ट थिंग, राजेश गनात्रा एक महीने से मिसिंग है और अभी तक कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, मतलब उसका किडनैप नहीं हुआ। किडनैपिंग इज रूल्ड आउट। सेकंड पॉसिबिलिटी है वो खुद कहीं चला गया, लेकिन सवाल यह है वो खुद कहीं क्यों जाएगा, और ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत पुरानी दुश्मनी या बिल्कुल नई दुश्मनी जो अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आई है। सर, शायद कोई प्रेशर में था, कोई ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उसका कोई एक तगड़ा सुराग इस फाइल में है। कोई एक शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जो कुछ छुपा रहा है, कुछ दबा रहा है। एक बार सही पिटारे का ढक्कन खुलेगा तो सच्चाई स्प्रिंग की तरह उछल के बाहर आएगी। क्या हुआ पापा, कोई टेंशन है? नहीं। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली। सर, सबके स्टेटमेंट्स लगभग वही हैं जो उन्होंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में दिए थे, लेकिन इनमें से कोई है जो झूठ बोल रहा है, कोई है जो इसकी सच्चाई छुपा रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो आदमी इनमें से कोई नहीं है बल्कि वो कोई और ही है। मतलब ये कुछ अलग ही केस है। सर, हो सकता है इसका मालिक खुद राजेश गनात्रा हो, वो खुद गायब हुआ हो। लेकिन कोई अपने आप को गायब क्यों करेगा? राजेश गनात्रा का ज्वेलरी का और रियल स्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था, कभी कोई घाटा नहीं हुआ और फैमिली लाइफ भी ठीक ठाक लग रही है। मैं ये खुद गायब होने वाला एंगल रूल आउट करता हूँ। एक काम करते हैं, देखते हैं कि 29 अप्रैल 2012 को एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। मन सुखानी का फोन आता है कि विरार वाली जमीन लिटिगेशन में है, और सुबह 11 बजे राजेश की फैमिली यानी उसकी माँ, बेटी और उसकी बीवी वडोदरा के लिए रवाना हो जाती है, और उसके कुछ मिनटों बाद राजेश को नीरव दत्ता का फोन आता है और दोनों कांदीवली के स्पाइस कोर्ट में मिलने का प्लान बनाते हैं। 12 बजे नीरव राजेश से मिलता है और उसके बाद वहां से चला जाता है, और उसी रेस्टोरेंट में ब्रोकर गिरीश चौबे राजेश से आगे मिलता है, और उसके बाद एक मिनट, राजेश के बेटे सुनील ने हमें बताया था राजेश गनात्रा जब घर से निकला था तो अपनी गाड़ी में निकला था। क्या बोरीवली पुलिस ने उस गाड़ी पे कोई फॉलोअप किया? नो सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आदमी गायब होता है, सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में वो गया था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। मतलब राजेश गनात्रा की कार स्विफ्ट डिजायर अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। सर, मीटिंग के थोड़ी देर बाद गिरीश भी वहां से चला जाता है, ये समझ के कि राजेश अपने ऑफिस चला जाएगा। उसके बाद रात 8:30 राजेश के भाई जगदीश को एक फोन आता है, उन्हें बताया जाता है कि उनके भाई राजेश का एक्सीडेंट हो गया है महालक्ष्मी में, और ये फोन खुद राजेश के सेल से किया जाता है। उसके बाद फोन कट जाता है या काट दिया जाता है। राजेश गनात्रा को उस दिन महालक्ष्मी में कुछ काम था, आई मीन कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट? नो सर, अभी तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से राजेश का साउथ मुंबई में आना जाना बहुत कम हुआ करता था। पक्का? उसकी फैमिली ने तो यही बयान दिया पुलिस स्टेशन में। अब अगर इनमें से कोई झूठ बोल रहा है तो कह नहीं सकते। पापा एकदम से निकल गए, वो थोड़े टेंशन में थे, कह रहे थे नीरव काका से मिलने जा रहे हैं। उनका कभी महालक्ष्मी साइड में जाना होता था? जहाँ तक मुझे याद है वो शायद ही कभी उस तरफ गए होंगे, और हाँ कभी कभी वो परेल ज़रूर जाते थे जगदीश भाई के घर। परेल और महालक्ष्मी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, समझो कॉलर झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी उसने महालक्ष्मी क्यों कहा? अंधेरी, कांदीवली, मलाड या गोरेगांव क्यों नहीं कहा?
और सर बड़ी हैरानी की बात है, कॉलर ने राजेश के बेटे सुनील को फोन नहीं किया, उसकी पत्नी चारुलता को फोन नहीं किया। उसके पास राजेश का मोबाइल था, वो चाहता तो इन्हें भी कर सकता था, लेकिन उसने फोन किया राजेश के बड़े भाई जगदीश को जो परेल में रहता है। उसने जगदीश को इसलिए फोन किया और ये कहा कि एक्सीडेंट महालक्ष्मी में हुआ है, क्योंकि जब तक राजेश का भाई जगदीश उसे महालक्ष्मी मतलब पूरे साउथ मुंबई में ढूंढता, तब तक उसे राजेश का क्रेडिट कार्ड और उसके रेनोवेशन वाले फ्लैट में जाके 2 लाख रुपए निकालने का वक्त मिलता। उसे इस सब के लिए वक्त चाहिए था। और सर फ्लैट में एंट्री भी चाबियों से ली गई है, कबर्ड और लॉकर दोनों चाबियों से खोले गए, जबकि चाबियां सिर्फ राजेश के पास रहा करती थी या फिर डुप्लीकेट चाबियां उसकी पत्नी चारुलता के पास। गोरे, जिस अज्ञात कॉल से राजेश के भाई जगदीश को 8:30 बजे फोन किया गया था, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई? नो सर। क्यों नहीं? ये सबसे बेसिक चीज है। कल सुबह मुझे सबसे पहले उस कॉल की लोकेशन चाहिए। लग जाओ इमीडिएटली। सर सर कॉल लोकेशन दहिसर है, दहिसर ईस्ट। देखा, कॉलर ने दहिसर ईस्ट से फोन किया राजेश के भाई को कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है महालक्ष्मी में, तो राजेश के भाई जगदीश और कमलेश लग गए अपने भाई को साउथ मुंबई के हॉस्पिटल और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ करने। इसी दौरान ये दहिसर ईस्ट के एक गारमेंट शॉप से 6 शर्ट्स खरीदता है, और खरीदने के लिए राजेश का क्रेडिट कार्ड यूज किया गया, और खरीदने वाला बहुत जल्दी में था। उसके बाद वो राजेश के रेनोवेशन वाले फ्लैट में जाता है और वहां से 2 लाख रुपए लेके गायब हो जाता है। लेकिन सिर्फ 6 शर्ट्स, और वो भी बड़ी हड़बड़ी में। क्यों? सिंपल, कहीं भागने की तैयारी हो रही थी। बट स्टिल, सिर्फ 6 शर्ट्स क्यों? सर शायद 6 शर्ट्स 6 लोगों के लिए हो। लेकिन कोई शर्ट्स क्यों बदलेगा? मतलब या तो शर्ट्स मैले हुए होंगे या शर्ट्स के ऊपर खून के धब्बे होंगे। एक काम करो, हेडक्वार्टर फोन करो और जॉइंट सीपी से कॉल ट्रैकिंग की परमिशन लो। 29 अप्रैल सुबह से लेकर रात तक राजेश गणात्रा के कॉल की हर लोकेशन ट्रैक करो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बोरीवली पुलिस ने जो कदम उठाए थे, क्राइम ब्रांच उन्हीं कदमों पर चल रही थी, पर इस बार हर कदम हर पहलू की और भी गहराई से जांच हो रही थी। क्राइम ब्रांच ने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ली और ये तरीका रंग लाया। इस केस में कुछ नए एंगल्स उभर कर आए, कुछ नई दिशाएं खुली, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ये केस क्राइम ब्रांच को भी हिलाकर रख देने वाला था। सर सेलफोन ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजेश 11:45 पर अपने घर से निकला था, जहाँ से वो स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट जाता है कांदीवली हाईवे के पास, जहाँ उसे गिरीश और नीरव मिलते हैं। लोकेशन यहाँ पे 12 से 12:45 तक दिखा रहा है। फिर वो बोरीवली की तरफ ट्रैवल करता है और एक तबेले के पास आकर रुकता है। कांदीवली हाईवे स्पाइस कोर्ट से बोरीवली तक, और उसके बाद सेलफोन बोरीवली से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ ट्रैवल करता है। इंटरेस्टिंग, कहाँ तक? लास्ट लोकेशन घोड़बंदर जंक्शन दिखा रहा है। ये 2:30 बजे की बात है। उसके बाद सेलफोन का कोई लोकेशन नजर नहीं आ रहा। स्विच ऑफ किया होगा। आगे बोलो। सर फिर रात को 7:45 बजे सेलफोन फिर घोड़बंदर जंक्शन पे एक्टिव हो जाता है। 5 घंटे 15 मिनट स्विच ऑफ रहने के बाद फिर एक्टिव होता है। सर उसके बाद घोड़बंदर जंक्शन से सेलफोन दहिसर ईस्ट चेकनागा तक ट्रैवल करता है, जहाँ ठीक 8:30 बजे लास्ट कॉल किया गया था, जो कि राजेश के भाई जगदीश को था, ये बताने के लिए कि राजेश का एक्सीडेंट हुआ है महालक्ष्मी में। 29 अप्रैल 2012 को राजेश या राजेश का सेलफोन काफी घूमे। हमें सफर के हर कदम को ट्रेस करना होगा पॉइंट टू पॉइंट। तो शुरू करते हैं बोरीवली के तबेले से। अप्रैल को राजेश गनात्रा यहाँ आया था। राजेश गनात्रा बोरीवली का प्रॉपर्टी डेवलपर है। 29 अप्रैल को 1:15 के करीब यहाँ आया था अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में। क्यों? सब मैं तो यहाँ सिर्फ तबेला चलाता हूँ, शायद मेरे सेठ से मिलने आए होंगे। कौन है तेरा सेठ? कहाँ है? गिरीश भैया, गिरीश चौबे जी, वो भी जमीन का बिजनेस करते हैं सब।
सर, राजेश भाई से मिला था मैं स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट में। वहाँ से सर मैं सीधे अपने तबेले पर गया, कुछ हिसाब किताब करना था। इसके बाद सर मुझे कोई आइडिया नहीं कि राजेश भाई तबेले पर क्यों आए, कब आए, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप उनके साथ घोड़बंदर नहीं गए? अरे बोला ना सर, मैं सीधे अपने तबेले पर गया था। दरअसल सर, जब मेरी राजेश भाई से बात हुई थी तो मैंने उनसे बोला था कि विरार वाले प्लॉट की डील होना मुश्किल है, मैं आपके लिए कोई नया प्लॉट दिख दूंगा। और दरअसल मैंने उनसे एक प्लॉट की बात की भी थी जो कि घोड़बंदर में, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और मुझे नहीं लगता सर कि वो घोड़बंदर वाला प्लॉट देखने अकेले गए होंगे। मुझे सच में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही सर। आपने राजेश के पार्टनर नीरव से उस घोड़बंदर के प्लॉट की बात की थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ राजेश भाई से बोला था। ठीक है, आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे। थैंक यू। झूठ बोल रहा है। जानता हूं। तुरंत इस आदमी के फोन की मूवमेंट ट्रैक करो। अगर इसके सेल की लोकेशन राजेश की सेल की लोकेशन के साथ मैच कर गई तो समझो हमें इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। सर, ये आदमी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फैल गया। इसके दूध में पानी है, मिलावट है इसके दूध में, इसलिए इतना फैल गया। मुझे इस आदमी की पूरी हिस्ट्री चाहिए। जो करना है करो, खबरी लगाओ या खुद लगाओ, लेकिन इस आदमी की पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। एक महीना हो गया, वो ऐसे कभी बिना बोले कहीं नहीं जाते। जी, मेरे पति आकाश गिरीश चौबे के लिए काम करते थे। कब से काम कर रहे थे? 2004 से 2008 तक, फिर वो गायब हो गए। गिरीश चौबे उन्हें यूपी में हमारे गांव से मुंबई लेकर आए थे। तब से आपके पति कोई खबर नहीं आई, कुछ भी नहीं? जी नहीं सर, पुलिस हर बार कहती कि कोई सुराग नहीं मिला, तो वो साल तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। फिर अपने बच्चों को भी देखना था, इसके लिए काम काज शुरू कर दिया। सर, कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं, पर शायद जल्दी पता चल ही जाएगा। माधुरी राजपूत जी, जिसका पति 3 महीने से गायब हो, वो सब्र कैसे कर सकता है इंस्पेक्टर? और अब तो 2 साल के ऊपर हो गया है, इनकी कोई भी खबर नहीं है। पर मैं सच कहती हूँ, वो मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने तो नया फ्लैट लिया था और दिन रात मेहनत कर रहे थे उस फ्लैट का लोन चुकाने के लिए। आपके पति गोविंद राजपूत इंश्योरेंस एजेंट थे? जी हाँ। ये गिरीश चौबे से क्या कनेक्शन था उनका? कनेक्शन तो कुछ भी नहीं था सर, गिरीश उनका दोस्त था और गिरीश ने ही तो हमारे फ्लैट की डील कराई थी, वो ब्रोकर है ना। लेकिन कोई बिजनेस डीलिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर आप गिरीश के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कुछ जानते हैं क्या? मेरे पति के बारे में कोई खबर है क्या आपके पास? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ तो बोलिए। बहुत जल्द बोलेंगे माधुरी जी, 2 साल रुकी हैं, थोड़ा और सब्र कीजिए। सर, बोरीवली पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मैच करते हैं। ये गिरीश चौबे की कहानी रंग से राजा वाली कहानी। पहले ऑटो चलाता था और अब बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, एक तबेला है, एक ड्राइवर है मुकेश भोसले, और एक बॉडीगार्ड भी है सर, सुशील काजू। बॉडीगार्ड मतलब जान को खतरा, दुश्मनी है? सर ये बात अजीब है, लेकिन 2 लोग मिसिंग हैं, 2008 में आकाश वर्मा और 2010 में गोविंद राजपूत, दोनों आज तक नहीं मिले सर। और दोनों का इस गिरीश चौबे से कुछ ना कुछ कनेक्शन था। This is something very serious. सर ये दोनों केसेस बोरीवली पुलिस स्टेशन में फाइल हुए थे और आज तक वहीं पड़े। उसके फोन का मोमेंट क्या कहता है? सर हमारे पास ठोस सबूत है, उसने कहा था वो घोड़बंदर गया ही नहीं, जबकि उसकी सेलफोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, पहले कांदीवली से बोरीवली तबेला, फिर उसके बाद घोड़बंदर जंक्शन, फिर वहां से टुंगारेश्वर मंदिर, वहां से मानोर, और फिर वापस घोड़बंदर जंक्शन, फिर दहीसर, और फिर बोरीवली। इतने लोकेशन, इतने सवाल, और इन सारे सवालों के जवाब गिरीश चौबे को देने पड़ेंगे। उठा लाओ उसे। सर गोरे, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को
अलग से उठा के लो। सर ये क्या बात हुई सर जी, आप लोग बार बार मेरी क्लास काहे ले रहे हैं? एक बार मैंने अपना बयान दर्ज करा दिया ना बोरीवली पुलिस स्टेशन में, तो बार बार क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? चलिए आप चलिए। वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस ब्रोकर गिरीश चौबे ने कुछ लफड़ा किया है। क्या बोले क्राइम ब्रांच वाले, क्या राजेश गिरीश के साथ थे? डिटेल्स तो कुछ नहीं दी उन्होंने, लेकिन चारू प्लीज प्लीज तुम हिम्मत रखो। क्या हुआ? पुलिस ने गिरीश चौबे को हिरासत में ले लिया है, इसके आगे अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्राइम ब्रांच अब इस केस में पूरी गहराई तक उतर चुका था। इस केस के कुछ ऐसे पहलू सामने आने लगे थे जो शायद अगर पहले दिखाई दे गए होते तो ये केस अब तक सॉल्व हो गया होता। अब राजेश गनात्रा को गायब हुए पूरा 1.5 महीना बीत चुका था, आकाश वर्मा को गायब हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे, और गोविंद राजपूत पिछले 2 साल से गुमशुदा था, और ये तीनों मिसिंग केसेस एक आदमी से जुड़े थे, गिरीश चौबे। सर मंदिर जाना भी कोई कानूनी जुर्म है क्या? मैं हफ्ते में 3 बार जाता हूँ टुंगारेश्वर मंदिर। तुम टुंगारेश्वर मंदिर घोड़बंदर होकर गए थे, और तुमने अपने पहले बयान में कहा था कि तुम घोड़बंदर गए नहीं। तुम्हारे फोन की लोकेशन और राजेश के फोन की लोकेशन एकदम सेम है, कार्बन कॉपी की तरह। तुम तबेले पर थे उस वक्त, राजेश भी तबेले पर थे। तुम जब घोड़बंदर गए, राजेश भी घोड़बंदर पर था। उसके बाद राजेश का सेल फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर वहां से तुम टुंगारेश्वर गए, फिर घोड़बंदर, फिर दहिसर, बोरीवली। राजेश को कब मारा, घोड़बंदर पहुंचने के पहले या बाद में? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर ये सिर्फ इत्तफाक है और कुछ नहीं, मैं खुद हैरान हूं कि राजेश भाई और मेरी सेल लोकेशन कैसे हो सकती है। सर हो सकता है कि राजेश भाई मेरा पीछा कर रहा हो, हो सकता है ना? होने को बहुत कुछ हो सकता है। एक काम करो, बैठ के आराम से चाय पानी पियो और फिर सोचो कि क्या बोलना। एक टिप देता हूँ, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। नहीं समझे? अगर सच बोल दोगे तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। मैं मालूम है तो टट्टू है, तेरा सेठ जो बोलेगा तो वही करेगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए और उसके लिए तुझे मुंह खोलना पड़ेगा। बताना होगा कि 29 अप्रैल को तू अपने सेठ के साथ कहां कहां गया, किस वक्त गया और वहां क्या क्या हुआ सब। साहब आप ये सब क्या कह रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? 29 अप्रैल को तुम्हारी सेल लोकेशन और गिरीश चौबे की सेल लोकेशन बिल्कुल मैच कर रही है। हाँ साहब, ड्राइवर उनका। बिल्कुल। अब ये बताओ कि तुम दोनों की सेल लोकेशन राजेश गनात्रा की सेल लोकेशन के साथ कैसे मैच कर रही है? लेकिन गिरीश चौबे ने तो सीधा सीधा तुम्हारा नाम लिया, बोला सुशील ने राजेश का मर्डर किया, जाओ उसे पकड़ो, जो करना है करो। क्या तुम्हारा सेठ बहुत चालाक है, जाल काट के निकलना आता है उसको, जैसे पहले 2 केसेस में निकला, आकाश वर्मा और गोविंद राजपूत के, लेकिन इस बार फंस गया है। और फंस गया है तो मालूम है क्या बोल रहा? क्या साहब? कमीना बोल रहा है कि राजेश गणात्रा को उसने नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुमने मारा। नहीं नहीं साहब, साहब ये सच नहीं है साहब, मेरी राजेश भाई के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मैं तो सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ साहब, जहाँ जहाँ गिरीश भाई जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ साहब। और जो जो बोलते हैं तुम आके मुंह के कर डालते हो, जैसे कि राजेश गनात्रा को मारने के लिए कहा और तुमने उसे ख़त्म कर दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था साहब। तो फिर
राजेश घनत्रा को किसने मारा? परवेज आलम और नानक सिंह ने। सुधीर पलसा ने भी साथ में था। कौन है ये तीनों? परवेज आलम, नानक सिंह और सुधीर पलसाने। साहब ये सभी गिरीश भाई के लिए काम करते हैं प्रॉपर्टी में। देख, तेरे पास ये आखिरी मौका है साबित करने का कि तुमने उन तीनों का साथ नहीं दिया, तो सिर्फ गाड़ी चला रहा। साहब यही सच है। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, हर एक डिटेल चाहिए। कब, क्यों, कहां, कैसे, सब कुछ फटाफट बोल डाल, वरना फांसी का फंदा गिरीश चौबे के गले में नहीं, तुम्हारे गले में पड़ेगा। भाई कब तक बैठा के रखोगे? साहब के आने तलक। तो गए कहाँ है साहब? मालूम नहीं है। उस दिन दोपहर में हम लोग निकले, साहब और मैं आगे आगे थे और पीछे पीछे राजेश भाई आ रहे थे। लोग गिरीश भाई के तबेले पे पहुंचे, वहां उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, फिर राजेश साहब ने अपनी गाड़ी तबेले पे छोड़ दी और हमारे साथ हमारी गाड़ी में आ गए। सुधीर, नानक और परवेज, ये तीनों तुम्हें घोड़बंदर में मिले थे? हाँ साहब, वहीं मिले थे। उसके बाद मैं और मुकेश वापस तबेले पर लौटे और गिरीश भाई के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। और गिरीश ने फ़ोन कब किया? शाम को 7 बजे। जी साहब, ठीक है साहब, पहुंच जाएंगे। साहब ने बोला राजेश साहब की गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर दहिसर चेक नाके पे ले आओ। बात कर। हेलो। हाँ राजेश, बोल। जगदीश गनात्रा? कौन बोल रहा है? जी, आपके भाई राजेश गनात्रा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कहाँ? महालक्ष्मी में। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सड़क से गुजर रहा था जब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फोन दिया और कहा कि मेरे भाई जगदीश गनात्रा को इन्फॉर्म कर दो। राजेश कहाँ है, कैसा है वो? बैटरी बहुत लो है, मैं फोन रखता हूँ। इस हालात में चकना का क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। परवेज, बाय मोड़ 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 यहाँ तक, ये भी मोड़, ये पकड़। मालूम है ना क्या करना है? जल्दी से जल्दी। और प्रवेश, तुम लोगों के लिए 6 बेदाग शर्ट लेके आए। हाँ साहब। सर कब तक बैठा के रखोगे? मेरी 4-4 मीटिंग अटकी पड़ी, क्लाइंट्स लोग वेट कर रहे हैं। कहाँ वेट कर रहे हैं गिरीश चौबे? तंगारेश्वर मंदिर, घोड़बंदर रोड या तुम्हारे तबेले पर? क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम किराए का रिक्शा चलाने वाले से लेकर टॉप के प्रॉपर्टी एजेंट कैसे बने, उस कहानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बड़े कैसे बने, लफड़े से, खपले से, वो सब कच्चा चिठाम नहीं खोलेंगे। लेकिन आज अगर तुमने यहाँ सच नहीं बोला तो तेरा पुर्जा खोल देंगे, क्योंकि तुम्हारे दोनों कुत्ते, तुम्हारा बॉडीगार्ड और तुम्हारा ड्राइवर भौंक चुके हैं। अब तेरी बारी है। 29 अप्रैल को तुम राजेश गनात्रा के साथ स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट से निकले।
गिरीश चौबे, एक बात बताऊं, आज तक जितने मुलजिम मेरे सामने आए हैं उन पर थप्पड़, मुक्का, लात या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आजमाया मैंने। ज्यादातर उससे पहले ही सच्चाई उगल देते हैं। चल तू भी शुरू हो जा, बोल राजेश गणात्रा को कैसे मारा और क्यों मारा? सर वो फिरार वाली डील कैंसिल हो गई थी और मैंने एडवांस में पैसे ले रखे थे 5 लाख रुपए राजेश भाई से। डील कैंसिल हो गई तो वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। कोई भी मांगेगा, अपने पैसे दिए हैं तो कोई भी मांगेगा, तू भी मांगेगा, मैं भी मांगूंगा। तो इसका मतलब तुम उसके पैसे वापस नहीं देना चाहते थे? गिरीश, ये तुझे नहीं पता था इसके बारे में? अगर पता होता तो वो जमीन दिखाता ही क्यों मैं आपको? गिरीश मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस चाहिए बस। क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई, नुकसान मेरा भी हुआ है, खुद के 10 पेटी घुस गए इस प्रोजेक्ट में। तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? भूल जाओ पैसे। अरे तुम्हें पता करना चाहिए था जमीन का स्टेटस क्या है, और वो किए बगैर तूने मुझसे 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए, वो भी कब? 1 हफ्ते पहले, जबकि तुम्हें पता था कि जमीन की डील होनी पॉसिबल नहीं है। राजेश भाई ऐसा मत बोलिए, मैं आपको बता तो चुका हूं कि अगर पता होता तो बात वहां तक पहुंचती क्या? गिरीश अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमने आज भी मुझे नहीं बताया कि जमीन लिटिगेशन में है, और मुझे पता चला किस नीरव से, मनसुख खानी का फोन आया था उसके पास। राजेश भाई आज आप आकर हो किस मूड में ये बताओ पहले आप, मैं आपको खुद फोन करने वाला था लेकिन। हाँ गणेश, सब समझता हूँ मैं। देखो आज शाम तक मुझे मेरी 5 पेटी वापस चाहिए, नहीं तो बाय गॉड सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज कराऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मजाक नहीं राजेश भाई, अब दिल दुखा दिया आपने, इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी टेंशन लेके बैठ गए। अच्छा चलिए उठिए, मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ जिसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। विरार वाला पानी मांगेगा, उसके सामने पानी, एकदम डबल साइज, पेपर एकदम नीट साफ क्लियर। कहाँ पर है? अरे यहीं अपने घोड़बंदर, चलिए चल के देखते। गिरीश वो प्लॉट में देखूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपने 5 लाख रुपए भूल गया, उसका हिसाब तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। अरे राजेश भाई आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और पैसे भी यहीं हैं, लेकिन यदि समय पर उस जमीन पर हमने हाथ नहीं डाला तो वो जमीन वहां नहीं रहेगी, बड़ा बिल्डर को भी दबोच लेगा उसको। चलिए आप जल्दी चलिए, देखकर तबीयत खुश ना हो जाए तो बोलना। उसने तुमसे अपने पैसे वापस मांगे तो तुमने उसे मौत दे दी? अरे दो दो गाड़ी काहे के लिए राजेश भाई, आप मेरे साथ चलिए ना, गाड़ियां सेफ रहेगी, अपने बंदे हैं। ठीक है आप चाबी दे दो, लौटते समय मुकेश आ जाएगा रोड तक लेके गाड़ी। सलाम गिरीश भाई। नमस्कार भाई। अच्छा आप राजेश भाई हैं? सलाम। अच्छा सुधीर, परवेज और नानक, राजेश भाई को वो घोड़बंदर वाला प्लॉट दिखाना है। गिरीश भाई आपका फोन आया ना, तभी चप्पन को सब समझ में आ गया था क्या काम है और क्या करना है। देखा एक्चुअली कितना टाइम लगेगा, वो मेरे फोन की बैटरी जा रही है तो। राजेश भाई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5-7 मिनट इसके पीछे ही है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो बैठो आप, चलो चलो चलो। यार 5-7 मिनट तो कब के बीत चुके हैं, कहाँ पर है जमीन? बस राजेश भाई 2 मिनट और लगेगा, पहुंचे जा रहे हैं। हाँ पर घोड़बंदर तो कब का पीछे छूट गया है, ये तो हम विरार की तरफ जा रहे हैं। अरे राजेश भाई दरअसल वो भिमंडी रोड है ना, जैसे ही उसको टच करेंगे सामने अपनी जमीन देखेंगे। गिरीश लल्लू समझ रखा है क्या मुझे? कहाँ घोड़बंदर रोड, कहाँ भिमंडी रोड? अरे राजेश भाई आज आपका वाकई शॉर्ट सर्किट है, मैं दरअसल सोच रहा हूँ कि तुंगारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लें, दर्शन इसलिए कि अपनी जमीन की डील बिल्कुल मक्खन माफिक हो।
पूरा ड्रामा हुआ राजेश गनात्रा को जान से मारने के लिए। गिरीश, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो मनोर स्टार्ट हो गया है। शॉर्टकट है राजेश भाई। गिरीश, साफ से बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, क्यों घुमा रहे हो मुझे? देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग घर चलते हैं, प्लॉट किसी और दिन देख लेंगे। हाँ नानक, गाड़ी घुमाओ। गाड़ी तो अब नहीं घूमेगी राजेश भाई। मतलब? क्योंकि अब मेरा दिमाग घूम गया है। क्या बकवास कर रहे हो गिरीश? अबे चुप! बकवास तूने की है मुझे पुलिस की धमकी देकर। जानता है मैं कौन हूँ? जानता है? बिद्दी से 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के लिए तूने मुझे पुलिस की धमकी दी? गिरीश, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है राजेश भाई, जानता हूं मैं। लेकिन ये काम मैं इतने परफेक्ट तरीके से करता हूं कि मेरे बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ता कि दाहिने ने क्या किया। दुनिया की तो छोड़ दो, लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा हो गए हो। ये तो क्या कह रहे हो गिरीश? एक आकाश वर्मा था, उसके बाद गोविंद राजपूत। ठीक तुम्हारी तरह ना दोनों ने मुझ पर हावी होने की कोशिश की, मुझ पर, गिरीश चौबे पर। आज सालों से दोनों पुलिस की मिसिंग फाइलों में गुम है, आज एक और मिसिंग फाइल बनेगी राजेश गनात्रा की। परवेश, मोर लगा फाइल पर। साला तो एक ही बार में ऑफ हो गया। तो 6 शर्ट खरीदने वाला और राजेश के लॉकर से 2 लाख रुपए निकालने वाला शख्स परवेज था। जी सर। आकाश वर्मा और गोविंद राजपूत को क्यों मारा? आकाश कमीना था साहब, बेकार बैठा था अपने गांव में, तरस खाकर लेकर आया मैं उसको इधर पर। मेरी थाली में थूक दिया, मेरा नाम लेकर मेरे पीठ पीछे अपना धंधा शुरू करना चाहता था, बहुत ऊपर उड़ना चाहता था सर, पर काट दिया उसके मैंने, और उसको भी। गोविंद राजपूत? सर वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से मैंने लोन लिया था। जहाँ से तुम एक बार पैसे ले लेते, उसे वापस करने की आदत तो तुम्हें है नहीं। सर वो बहुत दिमाग खा रहा था मेरा, हर दिन एक ही बात। राजेश गनात्रा की गाड़ी कहाँ है? स्विफ्ट डिजायर। सर वो गुजरात में भेज दी मैंने गाड़ी। तुम्हारे तीनों आदमी नानक, सुधीर और परवेज इस वक्त कहाँ मिलेंगे? गुड शो नायक, तुमने इस केस में बाकी के 2 मिसिंग केस भी सॉल्व कर दिए। एक्चुअली सर 2008 में मनोर पुलिस को आकाश वर्मा की लाश मिली थी, उन्होंने उसके पिक्चर्स भी लिए थे, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो उन्होंने लावारी समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सर आकाश की पत्नी गीता वर्मा ने फोटो से ही अपने पति की लाश की पहचान की। सर गोविंद राजपूत की बॉडी पूरी तरह से जला दी गई थी, उसका कुछ नहीं मिला। माधुरी जी, गिरीश चौबे और उसके साथियों के बयान हैं हमारे पास, जो ये साबित करते हैं कि आपके पति गोविंद राजपूत अब
इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे मालूम था मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्यार करते थे वो मुझसे। 2 साल से बस मुझे इसी बात का डर था कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया। और आज ये सर, ये आदमी गिरीश चौबे कोई मेंटली इम्बैलेंस या साइकोपैथ नहीं है, बल्कि एक शातिर क्रिमिनल माइंड है। इसने पहला कत्ल आकाश वर्मा का किया और सालों तक पकड़ा नहीं गया। तब इसकी हिम्मत और बढ़ गई। फिर इसने गोविंद राजपूत के साथ भी वही किया जो इसने आकाश वर्मा के साथ किया, उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं हुआ। तो सर ये और ढीठ हो गया। शुक्र है राजेश गनात्रा का केस अनडिटेक्टेड नहीं रहा। 2 महीने लगे लेकिन कम से कम केस क्लोज हुआ और साथ में 2 और फैमिलीज को भी एक क्लोजर मिला। सर हम इस गिरीश चौबे के इंटरोगेशन को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ और केसेस हों, कुछ और लोग हों जिन्हें इस गिरीश चौबे ने गायब किया, जिनसे इस गिरीश चौबे ने पैसे उधार लिए हों या जिन्होंने इसे नाखुश किया, क्योंकि इस गिरीश चौबे ने मौत को अपना सबसे आसान पैंतरा बना रखा था। हत्याएं हर 2 साल के गैप में। पहला मर्डर 2008 में आकाश वर्मा का, दूसरा मर्डर 2010 में गोविंद राजपूत का और तीसरा मर्डर 2012 में राजेश गनात्रा का। और इन तीनों केसेस के पीछे था एक रियल एस्टेट एजेंट। इस शख्स ने मुंबई में अपने जीवन की शुरुआत एक रिक्शा चालक के रूप में की थी और फिर बना उत्तर मुंबई का एक नामचीन प्रॉपर्टी किंग और एक सीरियल किलर। आकाश वर्मा का शव दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन से मिला, लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में आकाश वर्मा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी उस पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर ही नहीं थी। 2 पुलिस स्टेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव था और जिसकी वजह से जिस पुलिस स्टेशन को आकाश वर्मा की लाश मिली उन्होंने उसे अज्ञात और लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि किसी और पुलिस स्टेशन में आकाश वर्मा की मिसिंग कंप्लेंट फाइलों के ढेर में धूल चाट रही थी। पहले 2 मर्डर्स डिटेक्ट नहीं हुए, शायद इसी वजह से गिरीश चौबे ढीठ हो गया। उसने हत्या को अपनी एक आदत बना लिया, जो कोई उसका रास्ता काटता चौबे उसका गला काटता। आकाश वर्मा के बाद गोविंद राजपूत और फिर 2012 में राजेश गनात्रा के साथ वो कामयाबी से सिर्फ चंद कदम दूर था, लेकिन इस बार मृतक के परिवार ने ऊंचे लेवल पर काफी जोर दिया और इसी की वजह से पहले की 2 भयानक हत्याएं भी रोशनी में आईं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 2008 में आकाश वर्मा के मिसिंग होने के बाद इसी तरह का हाई लेवल प्रेशर डाला जाता तो 2010 में गोविंद राजपूत और 2012 में राजेश गनात्रा, इन दोनों की हत्याएं रोकी जा सकती थी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन सोचने वाली बात है। अगर दोनों पुलिस स्टेशन्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता तो आकाश वर्मा की हत्या के बाद गिरीश चौबे सलाखों के पीछे होता। हमारा इरादा सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन आए दिन हो रही हत्याएं और बाकी के संगीन जुर्म दस्तक दे रहे हैं कि 2013 यानी कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र में सुधार की भरपूर गुंजाइश है। हर सरकारी दफ्तर में आपको वही प्रॉब्लम्स मिलेंगी, मैन पावर शॉर्टेज, केसेस का बैकलॉग वगैरह वगैरह, लेकिन सख्त जरूरत है कि इन सभी समस्याओं को टॉप प्रायोरिटी पर हल किया जाए, वरना क्राइम डिटेक्शन और न्याय प्रक्रिया और समय लेगी और पीड़ित के घर वालों को लंबे अरसे तक अधमरी हालत में छोड़ देगी। लेकिन एक और विचार मन में आता है कि इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनों और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स के बीच में अगर कोई चीज काम कर जाती है तो वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने काम के प्रति फोकस और लगन अक्सर पहाड़ों को भी हिला देती है। यदि कोई ऑफिसर ये ठान लेता है कि मैं फला फाइल पर दीमक नहीं लगने दूंगा, पीड़ित को न्याय दिलवाऊंगा, तो अक्सर सभी बाधाओं के बावजूद भी सच सामने आता है और न्याय होता है। हम व्यंग नहीं कसना चाहते हैं, हम सरकास्टिक नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ऐसी लगन और ऐसे डेडिकेशन की उम्मीद रखना ज्यादातर केसेस में फिजूल है, क्योंकि अगर ऐसे हालात में कोई ड्यूटी के परे जाकर न्याय दिलवाता है तो हम सब यही कहते हैं
ये तो चमत्कार हो गया। आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी ईमानदारी को जिंदा रखें। जय हिंद।